हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम अंकित राज है और स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ, इस वक्त मैं रांची से करीब करीब 30-35 किलोमीटर दूर हुंडरू वाटरफॉल के रास्ते में हूँ और सुबह का समय हो रहा है करीब करीब 7:30 के आसपास, क्योंकि 6:50 के आसपास मैं घर से निकला और 30-35 किलोमीटर है अभी यहाँ से, 10 किलोमीटर की और दूरी है हमें तय करनी है। तो मैं सोचा कि रास्ते में थोड़ा सा आपसे बातें भी कर लूँ और एसी बाइक के साथ अपना सफ़र चल रहा है और अपन चलेंगे पहुंचेंगे। रास्ता बहुत ही शानदार है, आप पहले तो 4 लेन थी, उसके बाद जब रास्ता कटा भी तो बहुत एकदम स्मूथ रास्ता, बिल्कुल पिच लाइन की हुई है। सो आइए चलते हैं, हुंडरू वाटरफॉल पहुंचते हैं और नज़ारों का, इस वाटरफॉल का, इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। सो कम ऑन गाइस। तो इस तरीके से चलते चलते हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमें इन महानुभाव के साथ ये जानकारी मिली कि आप इतना लंबा क्यों जाएंगे, है कि नहीं? किधर से जाया जाए, कहाँ जाना है, सो बताइए। हमको हुंडरू फॉल जाना था। हुंडरू फॉल जाना था, ठीक है, अब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सामने से देख सकते हैं, ऊपर से व्यू पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, व्यू पॉइंट उधर ही है, व्यू पॉइंट है। वहाँ आगे देखे होंगे 0 किलोमीटर लिखे हुए है। हाँ, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। हाँ, देने सर पकड़िए, एकदम नीचे उतर दीजिए। चलिए, बढ़िया, अच्छी जानकारी हमें दे दिया, भैया जी को बहुत धन्यवाद। ये यहीं के हैं और कुछ इस तरीके का नज़ारा हमारी तरफ से दिख रहा है। सामने आप देख सकते हो ये सोनभद्र नदी और यही इस तरीके से आगे गिर रही है, पुल बना हुआ है इसी के ऊपर हम हैं और भैया जी हमारे हैं। तो फाइनली अपन हुंडरू वाटरफॉल के गेट पे, टिकट अभी कट नहीं रही है, थोड़ा सा टाइम है लगता है, कुछ जो भी यहाँ के स्टाफ हैं काम में लगे हुए हैं, काउंटर खोल रहे हैं, मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके बाद एंट्री करेंगे। और टिकट आपको 10 रुपये टिकट है आदमी का, और आदमी से ज़्यादा गाड़ी का ही है, 15 रुपये पार्किंग चार्ज है। सही, हम पहुँचते हैं अंदर। चलो भैया, टिकट ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब रेडी। सो हुंडरू वाटरफॉल अपन पहुंच गए हैं, छोटा मोटा बाजार जो इसको क्रॉस करते हुए अपन जा रहे हैं, आगे सामने वगैरह लोग नाश्ता पानी इनका चल रहा है। तो हुंडरू में एक चीज़ और है, आप जिप लाइन वगैरह की भी सुविधाएं हैं, आप कर सकते हो अगर वो पसंद है, थोड़ा एडवेंचरस हो तो पसंद, मेरे को भी कतई बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी थोड़ा बंद है, तो तब तक अपन फॉल ना होते हुए दर्शन करके आते हैं, उसके बाद करने की कोशिश करते हैं इसको। सो इस तरीके से फॉल क्षेत्र में स्वागत हो चुका है। जानकारी के लिए बता दें, 8 बजे पहली एंट्री है और 4 बजे शाम को आखिरी एंट्री है। और जैसा कि अभी ये बता रहे थे, हमको बाहर जो मिले थे 700 के आसपास सीढ़ियाँ, बट हमको नहीं लगता है 700 होंगी, और होगी भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, डजंट मैटर। सो आओ फॉल पहुँचा जाए, कुछ सुकून के पल बिताए जाएँ, फिर कुछ करेंगे डैम वगैरह भी जाएं, डैम जाने के बाद फिर अपन दोनों के नज़ारे लेते हुए उसके बाद पहुंचेंगे वापस बैक टू रांची। सो कम ऑन गाइस। सो कुछ इस तरीके से सीढ़ियों का कारवा चल रहा है, सांप सीढ़ियों का खेल खेल रहे हैं अभी, हालांकि अभी तो फिलहाल सीढ़ियाँ ही हमें लेके नीचे जा रही है, ज़िंदगी में तो सांप लेके नीचे जाते हैं। सो ऑलमोस्ट पहुँच ही गए, लास्ट ही कुछ सीढ़ियाँ बची हुई है, नज़ारे इस तरीके से हैं हमारे, बड़ा ही खूबसूरत है यार। बहुत दिनों के बाद मेरे को ये मौका मिल रहा है, मैं साला फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मतलब एक ही पेंडुलम वाली लाइफ साइकिल कर करके मतलब होता है ना कि लग ही नहीं रहा है कि आप वही फ्री मैन हो। समझे। सो ऑलमोस्ट अपन पहुंचने को ही हैं और ये झरने की जो आवाज़ है कलकल करती हुई, बड़ी खूबसूरत लग रही है। हालांकि अगर आप हमसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ यहाँ पे, मैंने पिछले बार मैं जोना फॉल भी गया था, हर बार रांची आता हूँ तो एक्चुअली क्या है, रांची क्या है, आपको चारों तरफ फॉल ही फॉल देखने को हैं, तो काफ़ी सारे क्या होते हैं कि आपको चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ऐसा है कि जब भी मैं रांची आता हूँ, हमारे कुछ रिलेटिव यहीं रहते हैं, जब भी मेरे रांची आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कोई ना कोई एक वाटरफॉल किया जाए। सो इस बार हुंडरू की बारी थी, पिछले बार हम आए थे तो जोना फॉल गए थे,
और अगर कहा जाए तो मेरे को जोना इससे ज़्यादा बेहतर लग रहा था होंडरू का, लेकिन ठीक है, जब आपका टारगेट ही नहीं है, जब तक आप होंडरू नहीं आते आप कैसे कहते कि मतलब जोना बेटर है। आज मैं आया तब मैं कह रहा हूँ। सो आप ऑलमोस्ट मेरे पीछे पहुँच ही गया, बहुत ही शानदार लग रहा है। और कहा जाता है कि ये जो होंडरू वाटरफॉल है शायद रांची रीजन का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, 98 मीटर की हाइट है। तो इस तरीके से हमारे पीछे होंडरू वाटरफॉल, बहुत खूबसूरत, ऊंचाई वाकई में काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी पोटेंशियल एनर्जी के साथ झरना गिर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक है। मतलब इस तरीके से नीचे कुछ लोग स्नान वगैरह भी कर रहे हैं, तो देखते हैं अपन को भी अगर कहीं कोई सही जगह मिली तो थोड़ी सी डुबकी ले ली जाए। और ये सोनभद्र नदी है और यहाँ से होंडरू वाटरफॉल का नज़ारा है ना शानदार। तो कम ऑन गाइस, दैट्स अमेजिंग। मैं कुछ और वाटरफॉल के नज़दीक आ गया हूँ, जो वाटरफॉल गिर रहा है और हवा जो भर रही है और उसके जो फुहारे मेरे ऊपर आ रहे हैं, दैट्स ऑसम मैन, मज़ेदार। आई लाइक इट टू मच। हे, दैट्स अ लाइफ फाइनली, सम ब्रीथ इन लाइफ। भागो। चलो कम ऑन गाइस, अब मज़े लेते हैं। अद्भुत है ये नज़ारे का, ठंडी ठंडी जो हवा लग रही है, थोड़ी सी जो रोशनी सूरज की आ रही है उससे गर्माहट, और थोड़ा ये जो हवा चल रही है और झरने की मतलब वो है ठंडे, बहुत अच्छी लग रही है। मिक्सचर वाली होता है ना, जो आप एसी चला लियो 18 डिग्री सेल्सियस को कंबल तान के सोने हुए, वही वाली फीलिंग है। तो कम ऑन गाइस, कुछ और पल यहाँ रहते हैं, फिर कुंड वगैरह जाने का हुआ तो जाएंगे। सो कम ऑन, इस तरीके से हमने डैम का भी आनंद ले लिया और नहा भी लिया। नहाने में बड़ा मज़ा आया, मतलब उस तरीके से हमारे कुछ मित्र लोग सामने अभी भी नहा रहे हैं, और नहा के अब चलते हैं डैम की तरफ। और पता चला कि यहाँ पे कुछ डैम है 10-12 किलोमीटर और दूर है, तो चलेंगे वहीं पे और कुछ वक्त वहाँ गुजारेंगे, उसके बाद बैक टू रांची। सो जोना से निकलने के बाद कुछ दूर चलने के बाद एक बहुत ही शानदार रास्ता, ये जंगल, और इस पर अपन चल रहे हैं, अपन एक डैम की तरफ जा रहे हैं। डैम का एग्जैक्ट नेम तो हमें याद नहीं आ रहा है, और बट इन्होंने कहा 10 किलोमीटर आ गया है, तो हमने कहा चलो चल लेते हैं। और नज़ारे कुछ इस तरीके के थे, हमने कहा थोड़ा सा आपसे भी कुछ बातें कर लिया जाए और इस नज़ारे को कुछ कैमरों में कैद भी कर लिया जाए। सो आइए, कम ऑन गाइस। तरीके से अपन गेतल सूट डैम तो पहुंच गए हैं, ये वाला है गया डैम, और यही पानी आगे गिर रहा था। और अभी चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं जहाँ पर सिर्फ डैम से थोड़ी पानी गिर रही है, कुछ देखने को मिल जाए तो ठीक है। सो कम ऑन गाइस, तो इस तरीके से अपन गेतल सूट डैम पहुंच गए। डैम का हालांकि अभी सारा खुला हुआ नहीं है, शायद बरसात के दिनों में कुछ दिन जब भरे थी तो यहाँ खुलती होगी। और पहले तो मैं ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद आराम से वहाँ लगा कि चलो जाने का, फिर अचानक से मेरे को दिखा कि यार नीचे की तरफ कुछ आने का है रास्ता। अच्छा, इधर से नीचे जाने का है ना, घूम के चल। अच्छा, चलिए ये कुल मिला के मैंने कहा चलो नीचे का रास्ता देखने के बाद, मैंने कहा चलो हो ही लेते हैं, क्यों छोड़ना क्यों इसे। सो ये रहा अपना गेतल सूट डैम, और अब चलते हैं वापस। सो कम ऑन गाइस, बाय बाय।